नगर पंचायत रानीपुर में पेंशन शिविर का आयोजन। नगर पंचायत भवन रानीपुर में पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रोविशन कार्यालय श्री राधा रमण सिंह, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यालय के लक्ष्मण सिंह यादव एवं नितिन कुशवाहा जी ने लोगों की पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु जरूरी प्रक्रिया व कागजात के बारे में बताया। नगर पंचायत अधिकारी श्री उमाकांत जी ने बताया कि दो दिनों से नगर के सभी वार्डों में, गलियों में नगर पंचायत की ओर से लगातार पेंशन शिविर का प्रचार किया जा रहा है, ताकि जन जन तक सूचना पहुंचाई जाए। शिविर में 350 से अधिक आवेदन व समस्याओं के कागज जमा किए गए हैं। शिविर के दौरान पार्षद पप्पू मंसूरी, मुकेश गुप्ता, राजाराम कुशवाहा जी के साथ समाज सेवी आलोक जैन, काशीराम सर, हर प्रसाद गेवड़ा, बिहारी लाल आदि की गरिमागर उपस्थिति रही। आज ये अनुशासन सुशासन से बहुत मांग करते चले आ रहे हैं 3-4 महीने से, जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन से हमारे नगर में संचालित होना चाहिए, लगना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब से हमने बाढ़ जन समस्या अभियान की शुरुआत की थी और 14 वार्डों में हमने जो सर्वे किया था, उसमें अधिकतर जो समस्याएँ आई थी वो सबसे ज़्यादा पेंशन संबंधी समस्याएँ आई थी, और जिनके लिए वृद्ध लोग जिनकी उम्र कभी 80, 75, 70 साल के करीब है, वो ज़्यादा परेशान है। और हमने देखा है ऐसे ऐसे लोगों की समस्याएं सुनी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उसी का ये जब हमने सांसद प्रशासन से मांग की, निश्चित रूप से हम डीएम साहब का, कमिश्नर साहब का, सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और रानीपुर में ये विधवा पेंशन की सुविधा दी। जो सुविधाएं हैं जैसे वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसके लिए यहाँ पे जो भी उसकी समस्याएं हैं उसको दूर किया जा रहा है, लेकिन नहीं आ रही तो उनका भी समाधान हुआ है। हाँ, उनके समाधान भी बांधी गई है। अधिकतर केस ऐसे हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही थी और नई पेंशन भी बांधी गई है। नई पेंशन बांधी गई, वो ऑनलाइन करूँ, उसका जो हार्ड कॉपी निकलेगी वो रानीपुर में जमा होगी और उसकी पेंशन बन जाएगी। रानीपुर से अरुण अग्रवाल की रिपोर्ट।